मुझे देख के ऐसा लगता है कि हर वक्त हंसती रहती है ऑल द टाइम काम के साथ साथ हंसी वसी ठीक ठाक ये आईटी की दुनिया में बहुत सारी चीजें हो रही लोग पैसे बना रहे हैं मैं तो उस जिया साहब से मिल रहा था उसके बाद मुझे बहुत सारे लोग मिले कहने लगे कि आपने इनसे पूछा नहीं बहुत सारे लोग यहाँ पर मिलियन डॉलर बना चुके हैं लाखों डॉलर बना रहे हैं बताते नहीं के घर वाले उनसे लेना ले, ले। दोस्त सहबाब उनसे लेना ले तो ये जो आपके लोग है आईटी वाले ये तो वैसे तो लाखों में बना रहे हैं डॉलर लेकिन रुपए उनके पास करोड़ों में है। अब बात जो है ना वो मिलियन तक नहीं है हा? अब ट्रिलियन तक बात है की स्टूडेंट का सवाल आ गया है? सर सरजिया तो ये भी नहीं बताते कि मेरे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको उन्होंने फ्री में पढ़ाया है अच्छा मुझे तो ये याद है कि जब मैं फर्स्ट टाइम सरजिया से मिली थी उनके वेबिनार में आई टी में उनका पहला वेबिनार जो मैंने अटेंड किया था तो उसमें स्टूडेंट्स स्टेयर्स ऐसी बैठे हुए थे तो सर ने बोला हमें सिर्फ पढ़ने से मतलब होना चाहिए जब भी देखते हैं क्लास में लड़कियाँ कम होती हैं लड़के ज्यादा होती है अप्रिसिएशन की वजह से लड़कियों की नहीं मिलती फैमिली की तरफ से थोड़ा सा सपोर्ट होना चाहिए अगर ये पेरेंट्स को पता चले कि मेरी बेटी मेरी बीवी मेरी बहन अगर ये चीजें सीख जाती हैं तो वो महाना 2000, 5000, 8000, 10000 डॉलर बनाने के काबिल हैं जो पाकिस्तान में लाखों रुपए बन सकते हैं ये समझाना आपने कैसे समझाया अपने फादर को समझाने की जरूरत है अच्छा। <laughs> मैं हूँ फैसल अजीज खान बहुत सारे आपने मेहमान ऐसे देखे जिन्होंने अपनी जिंदगी में बड़ा शानदार कारनामा अंजाम दिया आज मेरे साथ एक बहुत छोटी सी दिखने वाली हबीबा मौजूद हैं आईटी की दुनिया के अंदर बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही हैं हर चंद दिन के बाद एक सर्टिफिकेशन हासिल कर लेती हैं बड़ा ज़बरदस्त अंदाज़ के अंदर पी आई ए आई सी में भी काम करती रहीं पढ़ाती भी हैं बच्चियों को कैसे पढ़ना चाहिए घर में जो ख़वान रहती हैं उन्हें कैसे पढ़ना चाहिए वो कैसे डॉलर्स बना सकती हैं कैसे अपनी कंपनी खोल सकती हैं और ये सारा कुछ कितना मुश्किल है जो हबीबा बताती हैं कि ये आसान सा है असल अभी वाह कैसी हैं आप अस्सलाम मुझे देख के ऐसा लगता है कि हर वक्त हंसती रहती हो जी ऑल द टाइम काम के साथ साथ हंसी वसी ठीक ठाक जी अच्छा ये आईटी की दुनिया में बहुत सारी चीजें हो रही हैं लोग पैसे बना रहे हैं मैं तो उस दिन जिया साहब से मिल रहा था उसके बाद मुझे बहुत सारे लोग मिले कहने लगे कि आपने इनसे पूछा नहीं बहुत सारे लोग यहाँ पर मिलियन डॉलर बना चुके हैं लाखों डॉलर बना रहे हैं बताते नहीं हैं उनके घर वाले उनसे ले ना लें उनके दोस्त सहबाब उनसे ले ना लें पता ना चल जाए कि इसके पास कितने पैसे वो साहब है उन्होंने कहा फैसल भाई मेरा तो नाम लीजिएगा ही नहीं वो मिस हीरा मत लीजिएगा अब सबके पास बहुत डॉलर हैं और डॉलर आपको पता है कि 200 सौ टू एटी तकरीबन मार्केट में 290 नाइनटी रुपीज का मिल रहा है तो पहले जब कमाते थे तो एक सौ बीस रुपए एक सौ पच्चीस रुपए एक सौ चालीस रुपए एक सौ पचास रुपए मिलते थे अब डबल पैसे मिल रहा है तो ये जो आपके लोग हैं आई वाले ये तो वैसे तो लाखों में बना रहे हैं डॉलर लेकिन रुपए उनके पास करोड़ों में है लेकिन सर अब बात जो है ना वो मिलियन तक नहीं है हाँ? अब ट्रिलियन तक बात है इसलिए क्योंकि स्टूडेंट्स का सवाल आ गया है यहाँ पे आपने जो बताया कि जिस तरह पढ़ रहे हैं आजकल सारे बच्चे पढ़ रहे हैं तो हाँ? ये सर ज़्यादा तो ये भी नहीं बताते कि मेरे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको उन्होंने फ्री में पढ़ाया है अच्छा? मुझे तो ये याद है कि जब मैं फ़र्स्ट टाइम सर से मिली थी मुझे तो सीट मिल गई थी बैठने के लिए हाँ। जब सर जिया आए और उनके वेबिनार में में उनका पहला वेबिनार जो मैंने अटेंड किया था तो उसमें स्टूडेंट्स स्टेयर्स पे बैठे हुए थे तो सर ने बोला हमें सिर्फ पढ़ने से मतलब होना चाहिए बैठे कहीं भी बैठे वो कहीं वो तो एक दफा उन्होंने कॉल दे दी थी

अपना विल बना लें कि हमें पढ़ना है कुछ भी करके हमें पढ़ना है उसके लिए आपको अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर करना होगा सबसे पहले अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ फॉर इंस्टेंस के मैं अगर एच डी पढ़ रही हूँ तो एच डी क्या है क्यों है ये सब तो मुझे पता चल जाएगा पढ़ते हुए कि क्यों पढ़ क्या है इससे क्या बनेगा स्ट्रक्चर बन गया वेबसाइट का सी पढ़ते हुए इसमें कलर्स आ गए फंक्शनलिटी हो गई जावा स्ट्रिप से इसको जो है वो हमने रन कर लिया डॉक्कर क्यूब्निटीज से ब्लॉकचेन तक हमने जो है वो इसको कवर कर लिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हमने होम होम ऑटोमेशन कर ली लेकिन अब इससे हमें फ़ायदा क्या होगा हर बच्चा ये सवाल पूछता है कि पढ़ेंगे हम हम पढ़ने के लिए तैयार हैं हम एक हफ्ता पढ़ने के लिए तैयार हैं दिल लगा के मेहनत करने के लिए तैयार हैं लेकिन हमें क्या मिलेगा क्या मिलेगा क्या मिलेगा ये सब जो डॉलर बना रहे हैं जी ये ऑब्जेक्टिव है इससे हाँ। पहले आपको अपने लिए एक गोल सेट करना पड़ेगा अच्छा जब गोल की बात आ जाती है तो मतलब आपका फोकस पढ़ाई पे और गोल आपका क्या है जो पढ़ने के बाद आपको अचीव होगा वो कुछ भी हो सकता है गोल आपका कुछ भी हो सकता है या तो आपको डॉलर चाहिए वो डॉलर हो सकते हैं आपको जो है वो पैसे कमाने वो पैसे हो सकते हैं आप कैसे कमाने पैसे ये एक सवाल है बहुत बड़ा तो बच्चियां पैसे बना सकती हैं आराम से बना सकती हैं कितने कितने सिर्फ स्किल्स होनी चाहिए अच्छा कितने कितने पैसे बना सकती है तो डिपेंड करता है कि आप जो है वो, करें। जितनी मेहनत करेंगे जितना आप टाइम लगाएंगे क्योंकि टाइम तो लगाना पड़ेगा मेहनत करनी पड़ेगी जी मेहनत करने के लिए टाइम लगाना पड़ेगा आप कितने घंटे पढ़ती हो मैं मुझे याद है जब रमज़ान का टाइम था तो मेरे स्कूल जो है वो ऑफ थे और उस टाइम पर मेरा एडमिशन ए पी में, में, में फाइटी कमेटी में हुआ था तो मुझे सब टीवी देखते थे एक ब्रॉडकास्ट होता था शहरी के टाइम पे अफ्तारी के टाइम पे लेकिन मैं जो है वो अलग कमरे में कंप्यूटर लेके बैठ के प्रोग्रामिंग कर रही हूँ वो सिर्फ बुक से देख देख के और फिर नेक्स्ट क्लास में जो है वो हर वीकली हमारी क्लास होती थी तो एक घंटे की क्लास में मैम मेरा को अलग से बुलाती थी कि मैम आप मेरा असाइनमेंट देख लें सिर्फ वो वो जो देख के जो मेरी तारीफ़ होती थी ना बस मैं उसमें खुश होती थी चलो ठीक है मेरा मेरा हो गया बस चलो गुड जबरदस्त अच्छा जब भी देखते हैं क्लास में लड़कियां कम होती हैं लड़के ज्यादा होते हैं अप्रिसिएशन की वजह से लड़कियों की अप्रिसिएशन नहीं मिलती जी कभी कभी फैमिली की तरफ से फैमिली की तरफ से थोड़ा सा सपोर्ट होना चाहिए अगर ये पेरेंट्स को पता चले कि मेरी बेटी मेरी बीवी मेरी बहन अगर ये चीजें सीख जाती हैं तो वो महाना 2000, 5000, 8000, 10000 डॉलर बनाने के काबिल हैं जो पाकिस्तान में लाखों रुपए बन सकते हैं इंडस्ट्रियल की बात आ जाए तो ये 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 समझाना आपने कैसे समझाया अपने फादर को मेरा तो ये था कि मुझे समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ी अच्छा <laughs> उन्होंने मुझे खुद ही गाइड कर दिया था जैसे मेरा सिक्स एंड हुआ तो उन्होंने बोला एक वेबिनार हो रहा है एक वेबिनार हो रहा है आपने चलना है तो पहले तो मैंने मना कर दिया नहीं मुझे नहीं पता होता क्या है मैं नहीं जा आपके सकती आपके फादर खुद ले गए थे जी फिर उसके बाद उन्होंने बोला ठीक है नहीं जाना मैं नहीं फोर्स करता नहीं। फिर उसके बाद मैंने बैठ के सोचा कि अब हमारे स्कूल में तो कंप्यूटर है नहीं अब मैं सीखूंगी कैसे वैसे मैं घर आके कंप्यूटर पे गेम्स वगैरह खेलती थी तो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था जो चीज़ नहीं पता होती ना उसको जानने की क्यूरोसिटी मेरे अंदर शुरू से है तो फिर मैंने चलो आपको एक, तो सपोर्ट कर दिया आपके फादर ने एक फ्रेंड को मैंने कॉल लगाई रैंडमली कि आप जा रहे हैं आप मेरा नाम लिखवा दें बस मैं आपके साथ जाऊंगी तो ने बोला ठीक है आप ले आए इन इसको ले आए अच्छा एक आम घर के अंदर जो खातून है चौदह पंद्रह खातून तो चौदह साल की नहीं होती छोटी सी बच्ची है अच्छा यहाँ पे मैं एक ऐड करूंगी बात की पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती अब जो घर के अंदर लोग रहते हैं ना बच्चियां हैं जो यूनिवर्सिटी पढ़ने के बाद घर पे बैठी हुई हैं कॉलेज पढ़ने के बाद बैठी हुई हैं जिनकी शादियां हो गई घर पर हैं बहुत अच्छी बात है पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती रसूल ने फरमाया वो अब तक कायम उदायम है कि आपको तालीम के लिए कहीं भी जाना पड़े कितना इन दूर जाना हासिल पड़े बेशक चीन ही क्यों ना जाना पड़े हाँ तो अब ये वाली बात है चीन ही क्यों ना जाना पड़े तालीम की कोई उम्र भी नहीं है कोई हदूद भी नहीं है जो घर में बैठी हुई बच्ची है उनको क्या पैगाम देंगी वो कैसे पढ़े एडमिशन कैसे ले सबसे पहले करें क्या स्टेप वन क्या है स्टेप वन तो ये कि पहले अपना अपना माइंड खुद का माइंड सेट जो है ना वो क्लियर होना चाहिए वो इस हवाले से कि आपको पता होना चाहिए कि इस वक्त दुनिया के हालात किस तरह के हैं ये नहीं कि आप जो है वो कहीं बाहर निकल गए सब ये सोचते हैं हम ये पढ़ने के बाद पाकिस्तान को छोड़ेंगे सबसे पहले और फिर हम बाहर जाके पैसे डॉलर्स में कमाएंगे जो काम आप यहाँ करें ना वहाँ पे भी जाके आपको वही काम करना है तो स्किल्स इस, इस वक्त बहुत ज़रूरी है और आई टी तो पढ़ के बाहर नहीं जाओ

और रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए इंटरनेट की घर में के इतने बजे बंद हो जाएगा नहीं हर वक्त देखते रहो नहीं नहीं गाने माने नहीं, ये नहीं, वो सब तो कुछ कार्टून फिल्में, फिल्में सब देखना है तो देखना पड़ता है पढ़े तो नहीं पड़ती से क्या देख रहे हो आपने थोड़ा पढ़ा फिर आप थोड़ा सा गाने चल रही है तो इंटरनेट पे नहीं आती वो चीजें मतलब बीच में चीजें तो अच्छा तो लगता है, कि एक एक चल रहा है पठान फिल्म का तो ये चल रहा है, फलाना एक ड्रामा है तो उस चला जाता है इसके <laughs> लिए तो स्टडी स्किल की थोड़ी सी मैंने रिसर्च की थी वो ये थी कि जब आप पढ़ रहे हैं फोकस के साथ तो आपने दो घंटे ये करना है कि अपना फोन साइलेंट कर नेट ही ऑफ कर दें लेकिन अगर, अगर आप सेल फोन से पढ़ रहे हैं तो आप अपना फ़ोन साइलेंट कर दें और फोकस आपका सिर्फ एक तरफ होना चाहिए सारी चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर करके और अब तो ये भी सवाल आता है क्योंकि हमें बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं कि हमें नहीं समझ आ रही होती अच्छा तो शुरु नहीं शुरु समझ आ रही होती तो डायरेक्ट यूट्यूब पे जाना पड़ता है यूट्यूब पे वीडियो देखिए और अपने आपको अंडरस्टैंड करें अच्छा पढ़ना क्या चाहिए आपको आपने फोकस कर लिया अब आपने कहा से शुरू करें कौन सी चीज आए इंटरनेट पर आ गए फोकस कर लिया मोबाइल बंद कर दिया ड्रामा नहीं देखना है कोई गाना नहीं सुनना है अब पढ़ना है क्या पढ़ना है अब पढ़ना है अब पढ़ने की बात आ गई तो अब आपको इंटरेस्ट

जो मीडिया के लोग हैं उनकी शायद थर्टी परसेंट जॉब्स ख़त्म होंगी एविएशन की थर्टी फोर्टी परसेंट जॉब्स ख़त्म होंगी बैंकर्स की जॉब्स ख़त्म होंगी जो मेडिकेशंस डॉक्टर्स हैं उनकी जॉब्स ख़त्म होंगी लॉयर्स उनकी जॉब्स ख़त्म होंगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो चीज़ों को बहुत तेज़ी से स्पीडी कर रहा है जो इंसान सोच के फैसले करता था और डिसीजन लेता था वो ए आई करके दे देता है मैं जो काम एक हफ्ते दस दिन में करता था वो मैं आधे एक घंटे में कर रहा हूँ पिछले एक महीने में ये बड़ी डेवलपमेंट आई है तो चीज़ें चेंज हो रही हैं आपने ये जो नई तेजी से तब्दीलियां आ रही हैं इसमें जब आपने बताया कि खुवातन बच्चे जो घर पे बैठे हैं वो जब अपना ध्यान लगाएं पढ़ाई की तरफ

उसमें बड़ा पैसा है। बहुत पैसा है। है। है बहुत इसके बाद जो वो अगर किसी का मार्केटिंग की तरफ है सोशल मीडिया मार्केटिंग जैसे आए गेम खेल रहे हैं तो पैसे मिलेंगे तो कहीं भी अकाउंट खोलना पड़ता है कहीं अपने आपको सब्सक्राइब कराना पड़ता है कहीं चैनल बना सकते हैं सबसे बड़ी बात अपना YouTube चैनल बनाए वो एक अलग चीज ना वो कंटेंट रेगुलर बेसिस इंटरव्यू लेती हूँ तो वो नहीं रोजाना नहीं हो सकता सबके पास डेली कंटेंट नहीं है यूट्यूब चैनल बन जाता है रोजाना कंटेंट चाहिए ना डेली चाहिए आपको तो, आप तो वो लोग समझ गए मुश्किल काम है गेमिंग के अंदर अकाउंट खोलना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए काम करना जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें एंटर कैसे होंगे एंटर का तो बस एक अभी जो मेरे पास कोर्स और सिलेबस है ना स्टूडेंट्स के लिए आई थिंक मंथ्स का कोर्स है हाँ। का। वो पी आई आई सी है बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्या कोर्स है मेटावर्स और वेब तो थ्री आगे की चीजें नहीं है ये।, ये, आगे की अब अगर बच्चा जो है वो या चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह साल की है सर मैं बोलूँ ना कोई भी कर सकता है क्योंकि पढ़ने की कोई उम्र होती ही नहीं है ठीक है और नहीं तो पीछे पारे पारे वाले चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं पीछे वाले की ये है की वेब थ्री की बात अगर हम कर ले क्या है

क्या शुरू करें मैंने जो स्टार्ट किया था वो स्टार्ट विदाउट एनी टूल मतलब कोई टूल नहीं था उस वक्त एम एमएस पे आप गए आपने फॉरन एक्सेल की शीट बना ली नो मैंने नोट पैड से स्टार्ट किया था उसमें जो है वो मैं डेली की एक या दो कमांड सीखती थी याद भी नहीं होंगी मुझे अभी वो बस मैंने स्टार्ट एक दफा आपकी ग्रिप आ जाती ना मतलब आपको खुद ही हाथ चलने लग जाते हैं फिर तो वो मैंने स्टार्ट किया था एच टी एम एल सी एस एस और जावर स्टेप जो कि वेब डेवलपमेंट का बेसिक मॉड्यूल है बेसिक अगर आपको वेबसाइट सीखनी है किस तरह से बनेंगी उसके बाद सेकेंड स्टेप जो मेरा था वो ये था कि रिएक्ट रिएक्ट नेटिव ये इससे एडवांस की तरफ आ जाती है लाइक ए आपने रिएक्ट जावा स्ट्रिप सीख ली फंक्शनैलिटी आपको आ गई अब अगर मैं इसे थोड़ा सा आसान करके बताऊं कि एक आपने एक बिल्डिंग क्रिएट की ठीक है अब बिल्डिंग जो है वो पूरी आपने बना ली चारों तरफ दीवारें बना ली ये आपकी बन गया स्ट्रक्चर एस टी से अब बिल्डिंग कोई एंटर हुआ बोलेगा ये कैसी बिल्डिंग है इसमें तो कोई कलर्स ही नहीं है तो ये जो का स्टाइल शीट्स है ना उसमें जैसे आपने यहाँ पे किया हुआ है पूरा अपना पूरा सेटअप बनाया हुआ है माशा बहुत अच्छा सा तो ये बेसिकली कलर्स को किस तरह से हम करेंगे फॉन्ट्स वगैरह इन सब को देखना है कास्केटिंग स्टाइल चीज़ hmm. देन फिर आपने कलर्स आपने पेंट वगैरह कर लिया सब कुछ हो गया अब अंदर आएंगे बाहर का अंदर आएंगे तो दरवाज़ा बंद भी होगा कुछ कोई फंक्शनैलिटी होनी चाहिए hmm. जैसे यहाँ पे है लाइट्स ऑन ऑफ ठीक है इस तरह के जो छोटे छोटे फंक्शंस हैं ये सारे हमने सीखी जावाज के अंदर hmm. वेबसाइट में जो है वो रन किस तरह से होगी चीज़ें ठीक है जैसे ड्रॉप डाउन है लिंक पे क्लिक करेंगे तो वो आगे नेक्स्ट पेज खुलेगा ये सारी चीज़ें वैपेबल देन उसके बाद थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ता गया मेरा फिर मैंने रिएक्ट सीखी रिएक्ट और रिएक्ट नेटिव लाइक टू डू ऐप बना ली छोटी सी उसमें यह कि आपने डेटा एंटर किया आपने डेटा एंटर करने के बाद आपने देखा कि ए अल्फाबेट के कितने लोग आ रहे हैं तो आपके पास पूरा डेटा खुल के आ गया सारा ये टू डू ऐप हो गई छोटी छोटी, छोटी चीज़ें टू डू ऐप हो गई उसके बाद डॉकर और क्यूबर ये भी सर जहाँ ने जो है वो हमें सेशन पूरा कंप्लीट हो गया था हमारा कोर्स ख़त्म हो गया था लेकिन सर जहा ने फोर्स किया अब जो स्टूडेंट्स मेरे साथ काफ़ी टाइम से हैं वो आ जाएँ डॉकर और क्यूबर सीखने उसमें मेरे साथ बहुत सारे टीचर्स थे जो जिन्होंने मुझे पढ़ाया और ज़बरदस्त किस्म का पढ़ाया था लाइक मुझे अभी भी नाम याद हैं सारे टीचर्स के तो टीचर्स को आई थिंक थोड़ा सा अप्रिशिएट करना चाहिए बहुत वास्ट फील्ड है टीचिंग की तो इसमें डॉकर्स में डॉकर और क्यूबिनिटीज़ इसी तरह से कि आपने जो है वो आ, सर्वर साइट पे किस तरह से काम करना है जैसे आजकल उसके लिए एडवांस आ गई है क्लाउड कंप्यूटिंग के नाम से फिर अब अब ये सारी चीज़ें हो गई वेब डेवलपमेंट ये सब हो गया एप्लीकेशन डेवलपमेंट ऐप्स बन गई फोन्स में हमारे पास आजकल है फेसबुक जो देख के हैं बंदा कौन है आर्टिफिशल इंटेलिजेंस ठीक है अब मुझे यहाँ पे मुश्किल हो रही है लाइक अगर मैं यहाँ पे बैठ के अभी इस वक्त अपने अबू को फोन लगाऊँ अब मैं सर्च करूंगी पापा का नंबर मुझे याद नहीं है मैं डायरेक्ट यहाँ पे गूगल असिस्टेंट खोलूँगी और बोलूँगी कॉल पापा डायरेक्ट पापा के पास फोन जाएगा मैं चेक भी करवा सकती हूँ क्योंकि मैंने ऐसा सिस्टम किया हुआ है इसके अंदर सेल फोन के अंदर खुद से ये बहुत आसान है कुछ भी नहीं है सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है घबराना नहीं है और यहाँ आने से पहले कितने लोगों से फोन किया घबराना नहीं है इमरान खान का जुमला रहा है घबराना नहीं है इमरान खान भी घबरा रहे हैं

टीचर टाइम हो गया, गया सारी एजुकेशन से मैंने स्टार्ट किया था और एट तक मेरा खत्म हो गया था पूरा अब ये जो लोग सवाल ये था जो घरों के अंदर बैठी हुई हैं बहनें हमारी बेटियां हमारी वो खबा इनके छोटे बच्चे ना मेरी बात जी जी अब मेरा सवाल सुनिएगा और आराम से के जवाब दीजिएगा बहुत तेज तेज बोलती है पता नहीं कितने पच्चीस जवाब एक साथ दे सवाल यही है कि जो देखने वाला है ना जो देखने वाली घर पर है उनको ये चीज़ समझ आए कि जिस तरह हबीबा पड़ पढ़ती रही है इस तरह मैं भी शुरू कर लूँ और मैंने लैपटॉप लिया मैंने कंप्यूटर लिया तो पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में गाँव में उनको इंटरनेट चाहिए उनके सामने एक सिंपल सा कंप्यूटर हो और वो पहला कदम रखें और फिर वो दूसरा कदम रखें तो हबीबा ने तो ठक 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 पूरी मंजिलें बना दी है बहुत सारे डॉलर भी बना लिए कंपनी भी बना ली है और सरजिया का नाम भी आ रहा है तो हीरा का नाम भी आ रहा है तो आदिल साहब का भी आ रहा है तो नागौरी का भी आ रहा है तो पता नहीं कितने लोग सारे मिलियन डॉलर लोगों के नाम ले रही है तो ये जो लोग देखने वाले ये लोग भी मिलियन डॉलर बनना चाहते हैं तो आप पहला दूसरा तीसरा चौथा स्टेप्स बहुत आसानी से बताएं ताकि वो फिर उसको कनेक्ट हो जाए उससे पास इंटरनेट अवेलेबल है घर में गूगल पे गए वहां पे जाके आपने सिर्फ एक यू आर एल में अभी बता रही हूँ इस पर थोड़ा फोकस कीजिएगा सब वो है डब्ल्यू 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 डॉट पी आई ए आई सी प्रसिडेंशियल इनिशटिव ऑफ आर्टिफिशल इंटेलिजेंस क्लाउड कम्प्यूटिंग डॉट ओ आर जी सिर्फ इतना सा करना है उसके ऊपर आपने एंटर किया आपको जो है वो अपना लॉगिन करना होगा लॉगिन के लिए जो स्टूडेंट्स नहीं कर पा रहे थे पहले मतलब जो कंटिन्यू नहीं कर पा रहे थे वो साइन अप पे जाएंगे और डायरेक्ट जो है वो अपनी इन्फॉमेसन डालेंगे इन्फॉमेसन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है सिर्फ आपने अपना नाम डालना है

आपका इंटरेस्ट किस साइड पे हम्म सबसे ज़्यादा अभी जो मैं देख रही हूँ और आप भी देख रहे हैं और बाकी सब भी देख रहे हैं वो ए आई जा रही है वास्ट फील्ड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फिर दूसरा क्लाउड कंप्यूटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बहुत चीज़ें बन सकती हैं बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा अब इतना टाइम नहीं है कि हम इसको डिस्कस करें वरना मैं तो बहुत सारी चीजें डिस्कस कर लेती लेकिन उसके बाद जो है वो क्लाउड कंप्यूटिंग है

उनको अंग्रेजी कितनी आनी चाहिए उनको मैथ्स कितना आने चाहिए वो कौन सी क्लास की तालीम उनके पास होनी चाहिए बेसिक बेसिक मैथ्स क्या दो, दो चार चार आट, आट और चार आठ आठ और आठ सोलह सोलह और सोलह बत्तीस तक आपकी जो है वो होती है ना लाइक मैट्रिक वाली एजुकेशन मैथ्स तो तो हो डॉलर बढ़ाने शुरू आराम से ओहो अच्छा और क्योंकि मैंने मुझे अंग्रेजी भी तो हो ना समझे बिल्कुल इतनी ये आपको समझ आ जाए क्योंकि जो कोर्सेज सर करवा रहे होते हैं उसमें दो बहुत ज़्यादा इंग्लिश की जरूरत नहीं है बहुत ज़्यादा मैथ्स की ज़रूरत नहीं है डॉलर बनाने के लिए बाज़ार मैं आपको वैसे एक बात बताऊँ प्रेजिडेंट बाइडन ने अमेरिकन प्रेजिडेंटश संभालने के बाद उन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाला उन्होंने कहा कि इस वक्त दुनिया भर में फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उसमें जो काम है अमेरिका समेत सारे दुनिया में वो है हंड्रेड ट्रिलियन डॉलर्स का एक सौ ट्रिलियन डॉलर्स का इसलिए पाकिस्तान अच्छा और इसके लिए इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है इसके लिए कोई बहुत अली तालीम याफ़्त होने की ज़रूरत नहीं है इसमें खाली आपने अपने आप को इंप्रूव करना है इसके लिए कोई ब्रिगेडियर की किसी जनरल की किसी आ, वडेरे की जागीरदार की सी एम की गवर्नर की जज साहब की सिफारिश की ज़रूरत नहीं है यह आपने सीखना और इसके अंदर आ जाना है तो ये हंड्रेड ट्रिलियन डॉलर्स का जो काम है इसके अंदर ये बिल्कुल इस तरह जैसे आपके मेरे एट गिर्द जैसे ऑक्सीजन है हमें मिल मिल रही है बिल्कुल इसी तरह डायमंड गोल्डन रिवर हमारे इर्गिर्द घूम रहा है अगर आप ये स्किट ले लेते हैं आप बड़ी जल्दी से डॉलर्स बना सकते हैं तो मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को देखता हूँ पाकिस्तान में तो असल में अप्रिशिएट नहीं हो रहे लोग बता नहीं रहे कि मैंने कितने पैसे बनाए बना के बैठे मैं हम से बताते नहीं है क्योंकि यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है इंडिया में लोग खुल के बताते हैं इतने पैसे बनाए मैंने अमेरिका में खुल के बताते हैं हमने इतने पैसे बनाए यहाँ पर भी सामने बैठी हुई ये भी पैसे बनाने वाली हैं डॉलर बनाने वाली बताती ही नहीं है तो पॉइंट मेरा ये है कि इस सीन में जब आ जाएंगे तो किस सिफारिश नहीं है आपने मेहनत की और आप दो चार पांच हजार डॉलर आराम से निकाल सकते हैं बना सकते हैं ऐसे ही है बिल्कुल ऐसा ही आप अक्सर बिल्कुल ऐसा ही है जी जी ऐसा ही दोबारा बताएं अब जो घर पे है। खाला है पुप्पो है बाजी है नानी है दादी है ये सब लोग ये काम करके पैसे बना सकते हैं मुश्किल काम नहीं है थोड़ा सा मैथ्स

वॉल्टियर से स्टार्ट किया था पी का फर्स्ट टेस्ट आप भी थे आई थिंक अच्छा क्रिकेट स्टेडियम में जो हमारा टेस्ट हुआ था उसमें आप तादाद देख सकते थे कि कितनी ज़्यादा थी उसमें भी मैंने जो है वो एज वो, अ वॉलेंटियर काम किया था तो मैं वॉल्टियर काम करती हूँ ज्यादा पैसे वैसे नहीं कमाती तो, अच्छा अब हम वॉल्टियर बहुत अच्छी बात है स्टेडियम्स के अंदर टेस्ट हुए लाखों लोग इससे हैं मेरे हिसाब से कोई साठ सत्तर हज़ार लोग इस वक्त डेली बेसिस पर ट्वेंटी फोर सेवन काम कर रहे हैं पैसे बना रहे हैं जो पाकिस्तान में सिक्स बिलियन सिक्स सेवन बिलियन डॉलर्स जो पाकिस्तान में आ रहा है बहुत सारा हुंडी के ज़रिए आ रहा है वो ये फ्री लॉन्चरिंग के थ्रू है जो पी आई ए आई सी के प्रोजेक्ट के थ्रू आ रहा है उसमें अब ये कि इसको बढ़ा के ट्वेंटी बिलियन डॉलर किया जा सकता है अगर घर में बैठी हुई खुवात घर में बैठी हुई वो बहनें जो जिनकी शादियाँ होंगी इनके छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी दो चार पाँच घंटे अगर कर काम करना शुरू कर दें तो ये फिगर जो पाँच छः बिलियन डॉलर है ये उठकर चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह बीस बिलियन डॉलर तक जा सकती है इसमें हुकूमत का इंतजार ना करें कि वो ये चीज़ करेगी आपके पास इंटरनेट है आप गाने फिल्मों को ज़रा था साइट पर रखें और इस चीज़ पर आ जाएँ आप पैसे बना सकते हैं ऐसे ही है सवाल ये है कि जो खतान हैं जो घरों के अंदर हैं उन्हें जो प्रॉब्लम्स होती हैं बाहर निकलने में माशरे की वहाँ तक पहुँचने की सीखने की कोई टेक्निकल फॉल्ट आ गया क्योंकि मुश्किल चीज़ है ना कंप्यूटर आसान इसको सोलूशन के लिए ये सारे मसाइल का हल का कोई फोरम है कोई तरीक़ेकार है कि इसको हम खातन बोलेंगे ये प्रॉब्लम आया यहाँ से मसला हल हो जाएगा YouTube के जरिए हो जाएगा पी आई ए सी को भी ज़रा साइड पे रखते हैं क्योंकि जब काम करना शुरू करते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आते हैं ना जी। तो प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं ये तो आपने बहुत मुश्किल सवाल पूछ लिया हाँ, मुश्किल है हाँ, फिर वेमेन एम्पावरमेंट की थोड़ी वो होगी कि आपको जरूरत पड़ेगी लाइक आप वीमेन को एम्पावर करें किस तरह से अच्छे से मैंने वोहा के अंदर पूरे एक साल काम किया होगा काम भी इस तरह से कि सिर्फ वीडियोज़ आती थी, थी मुझे सिर्फ बना के देनी होती थी, थी पाकिस्तान में इस वक्त जो सूरत हाल है उसको मद्देनज़र रखते हुए कि मैं सिर्फ पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही हूँ लंदन के अंदर बस मुझे नहीं पता क्या सूरत हाल है क्या हो रहा है कुछ भी नहीं पता मुझे इसके बारे में ठीक है मैं जो है वो सिर्फ पाकिस्तान की पॉजिटिविटी को सामने ला रही हूँ क्योंकि सोशल मीडिया एक बहुत वास्ट फील्ड है जिसमें आए दिन ये सवाल उठता है कि अब वेमेन एम्पावरमेंट जो है वो मतलब अब लड़कियों को ये फेस करना पड़ रहा है अब ये हो गया अब ये हो गया जिसमें नेगेटिविटी टीवी पे दिखाई नहीं जा रही होती सामने से हमारा इंटरव्यू हो रहा है उसमें पूछी जा रही होती है कि सर अब आप बताएं कि अब आपके पास इस मसले का क्या हाल है आप मुझे बताएं तो ये जो सुनने वाले होते हैं ये एक बहुत बड़ा वो क्रिएट करते थे मैस के हमारा बिज़नेस का क्या होगा जो हमारे ख्वाब थे उनका क्या होगा इस चीज़ को थोड़ा सा करेक्शन की ज़रूरत है लाइक मेरे माइंड के हिसाब से आपको जो है वो पॉजिटिविटी ज्यादा शो करनी चाहिए क्या कि पाकिस्तान ने कितना पैसा कमा लिया ट्रिलियंस में कमा लिया ट्रिलियंस स्टूडेंट जो है वो इस वक्त इनरोल्ड हैं बिलियंस स्टूडेंट जो है वो उनका नाम मतलब अप्रिसिएशन की जरूरत है पाकिस्तान में लाइक ऐसा ना हो कि पाकिस्तान से पढ़ने के बाद ग्रेजुएशन करने के बाद मास्टर्स करने के बाद पी करने के बाद आपको घर बैठना पड़े चले अब आखिरी सवाल अब तक कितने डॉलर्स बना लिया अभी गुड क्वेश्चन सर तो एवरेज में चले ना, ना बताएं कोई भी नहीं बता रहा वो एक साहब थे प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने उनको अपने कंधे पे हाथ रख के बताया हॉकी स्टेडियम के अंदर मेरे खाली कोई आठ दस हज़ार बच्चे बच्चियाँ बैठे हुए थे और उन्होंने बताया कि ये मैं नाम भी ले रहा हूँ उस बच्चे का क्योंकि मैं उससे मिला उसने कहा मेरा नाम नहीं लें मेरे घर में सबको पता चल गया मेरे पास इतने डॉलर्स हैं हर आदमी मांगने आ जाता है वो उस वक्त जब उसने काम शुरू किया वो एट्थ क्लास में था सात आठ हज़ार रुपये की जॉब करता था बहुत ही ब्लू कॉलर जॉब करता था फिर उसने पढ़ना शुरू किया पढ़ने के बाद ज़िया साहब ने उसको सैलानी के एक फ्री सेंटर में उसको करवाया और सात आठ महीने बाद उसने काम करना शुरू किया मैंने अब मेरे आप यूट्यूब चैनल पर देखेंगे आपको छोटा सा इंटरव्यू उसका नज़र भी आएगा उसने मुझे मना किया है क्योंकि फैमिली वाले पैसे मांगने आ जाते हैं फिर यहाँ पे भत्ते की पर्चियाँ भी आ जाती हैं बहुत सारे और मामलात आ जाते हैं लेकिन इन सारी चीज़ों से हटकर आप पाकिस्तानी हैं आप मेल हैं फीमेल हैं आपको मैट्रिक की मैथ्स मैट्रिक की लेवल की समझने वाली अंग्रेज़ी उर्दू वाला कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए इवन आप पंजाबी बलोची सिराई की, कश्मीरी कोई भी ज़माना बोलने वाले कोई प्रॉब्लम नहीं है आप जस्ट फॉलो करें सिस्टम को और उसमें से डॉलर्स बनाना शुरू करें प्रेजेंट ऑफ पाकिस्तान ने जब मिलवाया स्टेडियम में बताया कि ये है पाकिस्तान का फ्यूचर पचास हजार डॉलर उस वक्त उसने बनाए थे मेरा खाली दो हजार अठारह उन्नीस की बात है जी जी अब उसने कोई पांच लाख डॉलर बनाए। लेकिन मेरा डाप भी किसी को बताना भी नहीं अच्छा अब ये तो मैट्रिक वालों का हो गया। अब बच्चों का क्या होगा क्योंकि वो तो, वो तो तो फ्यूचर है पाकिस्तान तो उसके लिए जो है वो हमने एक स्टार्टअप किया है अभी बिल्कुल रिसेंट बच्चे कितने एज के से स्टार्ट क्योंकि उससे पहले तो आप लैपटॉप कैसे ठीक है क्लास के बच्चों क्या करेंगे अच्छा सेवन क्लास के बच्चे बेसिक मैथ्स जैसे रोबो क्लब की मैथ्स होती है रोबोटिक्स जो हाथों में आप काउंट कर सकते हैं इसके हाँ. लिए नो कैलकुलेटर नीडेड नो फोन नीडेड नो कैलकुलेटर एंड बिसाइड दैट वी हैव अ कोर्स पाइथन क्योंकि आप ए की फील्ड की बात कर रहे हैं तो उसमें पाइथन तो बहुत इंपॉर्टेंट है जी कम्पल्सरी है उसके लिए तो पाइथन इसके अलावा जो छोटे छोटे होते हैं ना लाइक ऐप डेवलपमेंट हो गई बिल्कुल बेसिक सी जिसमें एक छोटा बच्चा ऑनलाइन कोर्सेज हैं जी ऑनलाइन कोर्सेज पर सेवन क्लास के बच्चे कर सकते का सेवन से स्टार्ट है एंड सो ऑन लाइक जो मतलब अभी मैट्रिक की मैथ्स लाइक क्वालिफिकेशन नहीं है जिनके पास और इसके अलावा भी हम इस पर काम भी कर रहे हैं कि जो जो मतलब ख़वान हैं जो शादी हो चुकी है जिनकी ठीक है उनके पास क्वालिफ़िकेशन इतनी नहीं है जो गांव साइड के लोग हैं विलेज साइड के उनको उन विमेन को किस तरह से एम्पावर किया जाए तो उनके लिए भी न्यू कोर्सेज़ जब वो अब लॉन्च लाँ, होंगे इन शून उसमें यही होगा कि उनको जो है वो अप्रिसिएशन के साथ उनको गाइडेंस दी जाएगी पहले तो सबसे पहले गाइडेंस बहुत ज़रूरी है इस वक्त क्योंकि जो सूरत हाल है उसको देखते हुए सबसे पहले लोग परेशान हो है जाते हैं जो कि सबसे बहुत ही उसमें इमरान खान ने भी बोला है सॉरी नाम यूज़ करी ये घबराना नहीं है सबसे पहले क्योंकि जहाँ पे जो डर गया वो मर गया अच्छा। अब डू और डाई वाला काम है तो डू सबसे पहले क्योंकि मरना अभी किसी ने भी नहीं है पाकिस्तान का सवाल इंशाल्लाह इंशाल्लाह अभी डू डू करना है मतलब हमारा, करना पाकिस्तान है, है। हमारा पाकिस्तान है हमें ही, हमें ही इसका नाम रोशन करने कोई यूरोपियन कंट्री या कोई अमेरिकन कंट्री आके जो है वो पाकिस्तान के बारे में बोलेगी और इसके अलावा डॉलर्स भेजेगी उस डोनर का तो सवाल यहाँ पे पैदा ही नहीं हो रहा अब खुद बनाने खुद बनाने और जल्दी बनाने और जल्दी बनाने जबरदस्त हबीबा थैंक यू सो मच बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके इन्होंने आखिर में बहुत ज़बरदस्त बात है कि बच्चे भी पैसे बना सकते हैं पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसको सीखकर बहुत सारी और बहुत सारी चीज़ें ये सब्जेक्ट बहुत बड़ा है लेकिन मैं यहाँ पे सवाल उठाना चाह रहा था जिसका जवाब अजीज़ हबीबा से हमने लिया इनकी जो टीम है ये लोग काम कर रहे हैं बहुत आसान है खाली आपने अपने आप को फोकस करना है काम बहुत सारा रखा हुआ है हंड्रेड ट्रिलियन डॉलर्स का काम रखा हुआ है आपने इंटरनेट चाहिए एक सिंपल सी मशीन चाहिए यूज मशीन चाहिए सस्ती सी मशीन चाहिए अपने आप को फोकस करना है और उसके अंदर उतर जाना है पी आई ए आई सी डॉट ओ आर जी पे रजिस्टर्ड हूँ मामूली सा आसान सा कोर्स लें फोकस करें पढ़ते रहें पढ़ते रहें पढ़ते रहें ये खुद ही आप जब अच्छा काम कर रहे होंगे ये आपको लपक के उठा लेंगे अपनी टीम के अंदर और आप डॉलर बनाना शुरू कर देंगे बहुत शुक्रिया you, बहुत शुक्रिया अभी बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इजाजत दें इंशाल्लाह फिर हाजिर हूँ पाकिस्तान जिंदाबाद